नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता मिश्रा है। मैं दिल्ली शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं पिछले 22 सालों से माइग्रेन से पीड़ित थी, जिसके लिए मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट लिया। लगातार इतने लंबे अरसे से ट्रीटमेंट लेते हुए मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे सिर में बड़ा भयंकर दर्द होता था और जब ये दर्द होता था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर मैंने लगातार दवाइयाँ, मेरी मजबूरी बन चुकी थी। उसी बीच दवाइयाँ लेते लेते मेरे सिर में एक लेफ्ट साइड में ईयर के पास डक्ट ब्लॉक होने लगी, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का मेरा फेस सूज जाता था और मुझे इसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते थे। एंटीबायोटिक्स वो देते थे और मुझे लेना पड़ता था। करीब 4 से 5 दिन के लिए मैं एंटीबायोटिक लेती थी और उसके बाद फिर करीब 1 महीने तक मैं ठीक रहती थी। उसके बाद मुझे ये एंटीबायोटिक्स दोबारा लेने पड़ते थे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स मैं लंबे अरसे से ले रही थी तो मेरे इंटेस्टाइन्स में सूजन आ गई और उसकी वजह से मेरे पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन दवाइयों के बिना मेरा काम नहीं चलता था, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका था, मैं बार बार मजबूरन दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, मुझे दवाइयाँ लेनी ही पड़ती थी। इससे मेरे एक चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता था। मेरे बैक में भी पेन होने लगा और मेरा वेट भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगा। मेरा वेट करीब 78 kg पार कर चुका था, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। इतनी परेशानियाँ कम नहीं थी कि भगवान ने मुझे एक परेशानी और दे दी, मेरे ब्रेस्ट में ग्लैंड्स हो गए। मैंने गायनी डॉक्टर के पास जाना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके ब्रेस्ट में ग्लैंड्स हो गए हैं, इसे लम्स कहते हैं और ये आपको, इसके लिए आपको लेजिक्स टैबलेट लेनी पड़ेगी। और साथ में उन्होंने मुझे प्राइमोसा और इवियन भी दिया। मैंने इसे कंटिन्यू किया और करीब उन्होंने 15 दिन के बाद फिर उन्होंने लेजिक्स बंद करके प्राइमोसा और इवियन को रेगुलर किया। ऐसा करीब 3 मंथ तक चला, लेकिन फिर भी मेरे ब्रेस्ट में बहुत दर्द होता था और ये प्रॉब्लम मेरी नहीं सॉल्व हो रही थी। उन्होंने फिर बोला ये मल्टीविटामिन्स हैं, आप 6 मंथ तक लो। मैंने उनकी सलाह को मानते हुए इसे करीब 6 महीने तक रेगुलर किया, लेकिन फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि मेरी प्रॉब्लम बद से बदतर हो रही थी। मैं पूरी तरह से तकलीफ में, बहुत दुखी थी। मैं किसी एक परेशानी से नहीं बल्कि 3-4 परेशानियों से जूझ रही थी। उसी बीच आशुतोष पांडे जी, जो कि मेरे रिलेटिव हैं, वो मेरे घर आए। उन्होंने मुझे फॉरएवर के कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी। जब उन्होंने मुझे फूड सप्लीमेंट्स लेने के लिए कहा तो मैंने उनकी जो सप्लीमेंट्स थे उसके बारे में दवाइयां सोचकर ही उसको एक्सेप्ट किया और बिना मे बन से, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव थे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका मन रखते हुए बेमन से मैंने इन प्रोडक्ट्स को लेना शुरू किया, जिसमें एलोवेरा जेल, आर्कटिक सी, बी पॉलन और जिंको प्लस है। जब मैंने इन्हें लेना शुरू किया तो करीब 1 से 1.5 महीने में, शुरू में तो मुझे थोड़ा आराम आया, लेकिन 1 से 1.5 महीने में मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। और ज़्यादा बिगड़ने की वजह से मैंने कहा लो, पहले से मैं कम परेशान थी, जो इन्होंने मुझे और मामा बना दिया। फिर मैंने इन प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया और प्रोडक्ट्स को बंद करने पर उन्होंने मुझे डॉक्टर अनु सोरठ से मिलवाया। और जब मैं डॉक्टर अनु सोरठ से मिली तो उन्होंने मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अच्छे से गाइड किया। उन्होंने समझाया कि एक हीलिंग प्रोसेस है, इसमें तुम्हारी कंडीशन जो खराब हो रही है वो अच्छे के लिए है। जब उन्होंने पूरी तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम इन्हें कंटिन्यू करो, इससे तुम्हारी पहले से अच्छी कंडीशन हो जाएगी, ये विश्वास उन्होंने दिलाया। ऐसा उनके बताने पर मैंने इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेके इन प्रोडक्ट्स को पूरे मन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा शुरू किया। और जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को दोबारा शुरू किया तो करीब 7 मंथ तक मैंने इन प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू किया। दोस्तों, विश्वास मानिए, मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो चुका। मुझे अब दोबारा सर में दर्द नहीं होता। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे बैक में पेन होता था, वो बैक पेन ठीक हो गया। सबसे ज्यादा जरूरी चीज
मुझे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ठीक हुआ, साथ ही मेरे लंग्स में जो प्रॉब्लम थी वो आर्टिक सी ने मिथा इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि सबसे बेहतरीन चीज मेरे ब्रिस्ट का दर्द ठीक हुआ जो बद से बदतर हालत में था, जिसके लिए मैं आशुतोष पांडे और डॉक्टर अनुज सोरठ का जितना भी धन्यवाद करूंगी वो कम होगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं इसके लिए मिस्टर रेक्स मोन जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट को, जिन्होंने इतने अनूठे उत्पाद बनाए। थैंक यू रेक्स मोन सर। मैं हमारे ग्रेट कंट्री मैनेजर मिस्टर अमरजीत उबी सर का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेकर आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।